जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, वो आपकी सेवा करिए, आपको खाना परोस लिए, आपको उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। समझना आपको है, अगर वो चाहे ना तो कुछ ना भी करे, क्योंकि वो इज्जत की बहू नहीं है, लेकिन फिर भी करती है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। अब उसकी अच्छाई का फायदा मत उठाइए। क्या क्या बोल रही है तू? सुन रे चांदनी, सुनाई दे रहा है बुआ जी? अरे क्या फायदा, जो इसकी चांद जैसा चेहरा देखकर जो घर पर लाया है ना, उसे सुनाइए आप। बेइज्जती राजेश की बुआ की हो रही है, उसे सुना पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या करेगा। घर की औरतों के बीच में बहुत सारी बातें होती है, सारी बातें घर के मर्दों को बताना कोई जरूरी नहीं है। ओ, डर गई। नहीं, बताने दीजिए ना, कुछ गलत नहीं कहा। राजेश से डरती नहीं हूँ, मर्द भी नहीं है। मर्द जबरदस्ती लड़की को फंसा कर नहीं लाते, मर्द तो छोड़ो, वो तो इंसान है। कही बोली सबको ये समझ में आना चाहिए कि तू अपने पति की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए करवा चौथ की पूजा भक्ति यात्रा। आपको देखा, ट्रॉली पीछे खींचो, ट्रॉली पीछे खींचे, रेडी, वॉइस ओवर पढ़ेंगे एंड ट्रॉली चार्ज एंड वॉइस ओवर। मैं सब जानता हूँ दुर्गा, मैं हमारे लिए ना किसी और के लिए करेंगे, दुनिया को यही लगना चाहिए कि तू ये सब हमारे लिए कर रही है। अगर इसमें माना है